KGF chapter 1 देखे तो हमें मजा ही आ गया था और आज हम KGF 2 देखेंगे उसमें तो और भी मजा आएगा। हाँ हाँ तुझे तो मजा आ गया ही ना, फ्री के जो सब मिलते हैं शोभा के पैसों से ही ऐश कर रही है। ऐसी बात नहीं है यार, मैं कोई शोभा के पैसे में ऐश नहीं करती। अच्छा ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, 24 घंटे तो शोभा के पैसे से ऐश करती रहती है तू। हमसे ना झूठ मत ही बोल, वही तेरे लिए बेटर रहेगा। क्या हुआ गाइस, क्या बातें चल रही है? अरे कुछ नहीं, बस मूवी के बारे में बात हो रही थी। अच्छा तो जल्दी चलो ना, मूवी के लिए लेट हो रही है ना। हाँ हाँ चल चल। सॉरी शोभा मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग ही जाओ। मुझे पता है तू जाने से मना क्यों कर रही है, तेरे पास पैसे नहीं है ना, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पैसे मैं दूंगी। क्या यार शोभा, तू हमेशा एलिना के पैसे देती है तो आज तू मेरा भी पैसा देगी। और मेरा भी पैसा तू देगी। ओके ओके डन, अब सबके पैसे मैं ही दूंगी, अब खुश। मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करती है, दोस्ती मैटर करती है। पैसों का क्या है, आज है कल नहीं, पर दोस्ती हमेशा रहती है। तो चलो अब। जिन्ना तू पहली बार ऐसे बाहर जा रही है तो कनाडा जाके अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अरे तू टेंशन मत ले मेरी माँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी और मैं वैसे भी कुछ ही हफ्तों के लिए जा रही हूँ। अच्छा हुआ एलिना तू आ गई, मैं कुछ हफ्तों के लिए कनाडा जा रही हूँ तो तू अपना ध्यान अच्छे से रखना और इस बुद्धू का भी। वो सब तो ठीक है पर तू ऐसे अचानक? हाँ वो मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, इसलिए मुझे जाना होगा। वाओ कांग्रेट्स यार। थैंक यू यार। अब चले एयरपोर्ट, लेट हो रहा है। हाँ हाँ। राखी देखना मेरे फोन को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, बार बार हैंग हो रही है। तू नया फोन ले ले, कब तक ये फोन चलाएगी? कहाँ यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ है, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो मेरी फ्रेंड कहाँ जो मुझे फोन गिफ्ट करे। तू पागल हो गई है क्या, न्यू फोन के लिए पैसा क्यों चाहिए? शोभा है ना, शोभा दिला देगी। क्यों शोभा? हाँ और नहीं तो क्या, मेरी एक दोस्त की फोन की शॉप है, मैं वहाँ से तुझे फोन दिलवा दूंगी। अगर तेरे पास पैसे हो तो दे देना, और अगर नहीं भी देगी तो भी चलेगा। अच्छा तो चल जल्दी। अच्छा राखी मुझे तुम्हारा फोन दिखाना, मैं भी देखूँ जरा क्या हुआ उसमें। ठीक तो है तेरी फोन, बस स्टोरेज फुल हो गया है इसलिए हैंग मार रहा है। ले अब देख तेरी फोन ठीक हो गई एकदम पहले जैसी। मैंने सारी स्टोरेज खाली कर दी। हाँ ठीक तो चल रही है पर इसका क्या फायदा, शोभा तो मुझे नई फोन दिला रही है ना। पागल है क्या, अब क्यों दिलाऊ, अब तो तेरी फोन ठीक हो गई ना। हाँ चल ठीक है। अच्छा तो चल अलीना लाइब्रेरी चलते हैं, नए बुक्स पढ़ेंगे। बाय। हाँ इस साली एलिना की वजह से मेरे हाथ से नया फोन निकल गया। हाँ यार वही तो, अच्छा खासा न्यू फोन आ रहा था हमारे हाथ में, लेकिन वो एलिना बीच में आ गई। खुद तो पूरा खर्चा करवाती है और जब हमारी बारी आई तो आ गई टांग अड़ाने। वो ज्यादा स्मार्ट बनती है ना, उसको मैं दिखाती हूँ स्मार्टनेस क्या होती है। एलिना इधर आ। हाय। वाओ यार मस्त है। हाँ ठीक है चल मैं चलती हूँ। बाय। मैंने थोड़ी देर पहले अपने बैग में पैसा रखा था और अभी चेक किया तो मेरे बैग में पैसा ही नहीं है, मेरे पापा ने मुझे फीस के लिए वो पैसे दिए थे। अब तो मैं दोबारा मेरे पापा से मांग भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तो रो क्यों रही है, रो मत, मैं दूंगी ना तेरे पैसे। थैंक यू सो मच। साथ नहीं छटेगा जान बढ़ के तो जान नहीं कटेगा। अरे ये तो वही पैसे जो कल गुम हो गया था, शायद मैंने कल अच्छे से नहीं ढूंढा होगा। एक काम करती हूँ ये पैसे शोभा को दे देती हूँ। शोभा तू एलिना को छोड़ना मत, उसने तेरे दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। हाँ यार उसके पास पैसा होते हुए भी वो तुझसे पैसा लिया है, छी कितनी नीच लड़की है वो। अरे शोभा तू यार मैंने तुझे पूरी कॉलेज ढूंढा। ढूंढ तो मैं भी तुझे रही थी। क्यों? कुछ बताने के लिए। क्या बोल, अगर तुझे पैसों की इतनी लालच थी तो मुझे सीधा मांग लेती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे कभी मैंने किसी चीज के लिए मना किया है क्या? तूने जब जो मांगा वो दिया मैंने तुझे, क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा दोस्ती मैटर करती है। मैंने ऐसा क्या किया जो तू ऐसा बोल रही है मुझे? क्या किया है क्या नहीं किया वो बोल, तूने मेरे दोस्ती का गलत फायदा उठाया है, तूने मुझसे झूठ बोल के पैसे लिए। अगर आज ये ना होते ना तो मुझे तो कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। तेरे पास पैसे होते हुए भी तूने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, तब तो तूने कितनी बार ऐसा किया होगा,
तू अब से ये मेरे सच्चे दोस्त है, तू नहीं तो निकल जा यहाँ से और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। पर सुबह एक बार सुन तो, पारवार कुछ रही सुबह कुछ नहीं सुनना चाहती, निकल जा अब यहाँ से। हेलो राखी, मेरे पापा की तबीयत ना बहुत खराब है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, क्या तू मुझे देगी? यार मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, 50,000 कहाँ से लाऊं मैं? हेलो निकी, मेरे पापा ना हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज तू मुझे 50,000 दे दे। यार तू मुझसे कोई भी हेल्प मांग ले, पर पैसों का मत मांग, पैसे नहीं दे पाऊंगी मैं। ओके कोई बात नहीं। हमें वेट करवाया हुआ बहुत देर हो चुका है, मैम का आने में और कितना टाइम लगेगा? वेट, मैं पूछती हूँ। हेलो मैम। जी मैम। ओके ओके मैम, आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। Such a fucking hoe. I love. Elina, तू? हाँ मैं। तू इतनी बड़ी कंपनी में कैसे? मैं लेकर आई हूँ एलिना को यहाँ, और मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, और एलिना इस कंपनी में मेरी पार्टनर है। और तू शोभा, तू तो एलिना को देखना भी नहीं चाहती थी। हाँ लड़ाई तो हुई थी हमारी, पर वो लड़ाई किस वजह से हुई थी और किसने करवाई थी वो मुझे समझ आ गया है। क्या? हाय, कैसी है शोभा तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बस इतनी एक्साइटमेंट, तू खुश नहीं है मेरे वापस आने से? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश तो हूँ। ठीक है ठीक है, और अलीना कहाँ है? वो नहीं है आज तेरे साथ? वो नहीं आएगी, और ना ही मैं उसे लाना चाहती हूँ, और मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही है तू? ऐसा क्या हो गया? उसने पैसों के लिए अपनी औकात दिखा दी। ये क्या बोल रही है तू? अच्छे से पूरी बात तो समझा। वाह, उन्होंने बोला तूने मान लिया, मैं समझा के गई थी ना तुझे, अलीना के अलावा कोई भी तेरा असली दोस्त नहीं है, और तूने उसे बात रखने का मौका दिया? नहीं। वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुझे आज राखी और निकिता बहुत सही लग रही है ना? चल एक काम कर, उसे कॉल कर और बोल मेरे पापा बीमार है, पैसों की जरूरत है, देखती हूँ कौन हेल्प करता है। पर अरे कर ना, उसके बाद अलीना को भी कॉल करना। हेलो राखी, मेरे पापा की तबीयत ना बहुत खराब है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, क्या तू मुझे देगी? यार मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, 50,000 कहाँ से लाऊं मैं? हेलो निकी, मेरे पापा ना हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज तू मुझे 50,000 दे दे। यार तू मुझसे कोई भी हेल्प मांग ले, पर पैसों का मत मांग, पैसे नहीं दे पाऊंगी मैं। ओके कोई बात नहीं। क्या हुआ, मना कर दिया ना उन्होंने? अब अलीना को कॉल करके देख, वो मना नहीं करेगी, उसके पास ना भी हो ना तब भी वो श्योरली देगी। हेलो अलीना, मुझे ना 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है, मेरे पापा ना हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या तू मुझे देगी? क्या, कहाँ आना पैसे लेके बोल, मैं अभी आती हूँ। मैं MG रोड में खड़ी हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और सुबह ने मुझे पहली बार इतना पैसा मांगा है। सुबह को इस वक्त मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकती, उसने मेरी कितनी मदद की है मुसीबत के टाइम पे, क्या करूँ कहाँ से लाऊं? हाँ। I'm sorry, सुबह थोड़ी लेट हो गई, मेरे लिए पैसे। नहीं नहीं तू लेट नहीं हुई है, और तेरे पास तो पैसे नहीं थे ना, तो तूने कहाँ से पैसे लाए? मैंने ये पैसे ब्याज में लाया है, और तूने मेरी कितनी हेल्प की है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि तेरा हेल्प करूँ। पर सुबह मैंने तुझे दिल से दोस्त माना है, और मुझे खुद भी पता नहीं कि मेरी बैग से पैसे कब गए और कब आए। छोड़ सुबह, कोई नहीं, अपनी पापा का इलाज करवा लेना इस पैसे से, मैं चलती हूँ। अलीना सुन, बोल। यार प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं उन लोगों की बात में आ गई थी, मैं भूल गई थी कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, मुझे तुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था। और हाँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे श्रेया ने बोला था ऐसे झूठ बोल के ये सब करने के लिए, और इसने ही मुझे समझाया कि वो लोग तेरे खिलाफ मुझे भड़का रहे थे। थैंक यू सो मच श्रेया, तुम्हारी वजह से हम दोस्त बन गए फिर। हमें माफ भी कर दे यार। Excuse me, यार नहीं, भूलो मत।
और ये तुम्हारी बॉस है। सॉरी सॉरी मैम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें जॉब दे दीजिए। एलिना, क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो ये दोनों हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट एम्प्लॉय है, पर मैं सोच रही हूँ इन्हें जॉब नहीं देने का। पर क्यों? क्यों मैम? क्योंकि तुम लोग अगर हमारे दोस्त होकर हमें धोखा दे सकते हो तो कंपनी में रहकर भी हमें धोखा दे सकते हो, तो तुम दोनों हमारी कंपनी के लिए एक लॉयल एम्प्लॉय बन ही नहीं सकते हो। बाकी तो तुम समझदार हो, शोभा की बात तो अच्छे से समझ आई गई होगी। सो यू कैन गो।